ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुँचाए आपका प्यार। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पेश आया हादसा, नाले में गिरी बाइक, एक की मौत, दो हुए घायल। ₹14,000 करोड़ पहुंचा राज्य सहकारी बैंक का कारोबार, बैंक के निदेशक केशव नायक ने समीक्षा बैठक में दी जानकारी। भोरंज में 3 साल बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रही मिनी सचिवालय की सुविधा, नवनिर्मित मिनी सचिवालय के भवन में लगे गंदगी के ढेर। और प्रशासन द्वारा छोटा पंडल में करवाया जा रहा है दिवाली मेले का आयोजन, 26 अक्टूबर से शुरू होगा दिवाली मेला। युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश जिला मंडी द्वारा आईटीआई मंडी में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर सेवानिवृत्त खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंगलवार को आईटीआई मंडी में जिला स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय ये उत्सव युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश जिला मंडी द्वारा आयोजित किया गया। अधिक जानकारी देते हुए जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी पीसी धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उत्सव में 10 ब्लॉकों से आए 350 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। 10 ब्लॉक से 350 के लगभग प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। इसमें हम 8 तरह की प्रतियोगिताएं करवाएंगे, जिसमें होगा फोक डांस, ग्रुप सॉन्ग प्ले होगा, बांसुरी वादन होगा, अपना कथक होगा, क्लासिकल वोकल होगा, बांसुरी वादन होगा। इस तरह से 9 तरह के हारमोनियम होगा, 9 इवेंट में हम इसको करवाएंगे। इसमें जो भी प्रतिभागी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका जो चयन किया जाएगा, वो जो राज्य स्तर पर जो स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल मंडी में ही होना तय हुआ है, लगभग दिसंबर में होगा, उसके लिए ये चुने जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये चुने हुए जो हमारे प्रतिभागी हैं मंडी जिले का नाम जरूर रोशन करेंगे, क्योंकि मंडी के हर क्षेत्र में हर लोगों में जो ये कला का जो कला होती है वो कूट कूट कर भरी हुई है। जिला उत्सव के शुभारंभ अवसर पर सेवानिवृत्त खेल अधिकारी वेद उपाध्याय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में वेद उपाध्याय ने कहा कि हर कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है, और इस तरह के उत्सव का आयोजन कर युवाओं को एक बेहतर मंच प्राप्त होता है। विभाग 1983 में बना, इससे पहले ये शिक्षा विभाग के साथ ही अटैच था। तब से ये युवा गतिविधियां, साथ में खेलों की गतिविधियां जो प्रदेश में होती है, राज्य में होती है, जिला में होती है और ब्लॉक स्तर तक होती है, उसके आयोजन का जिम्मा इस विभाग को दिया गया। और मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, एक कलाकार या एक खिलाड़ी, उसको हम रिहर्सल कराते रहें, खिलाते रहें, लेकिन उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, एक मंच नहीं मिलेगा, तो अपनी जो प्रतिभा है उसको वो परख नहीं पाएगा, दिखा नहीं पाएगा। और कलाकार की मोटिवेशन के लिए जो स्टेज उसको मिलना जरूरी है, मैं समझता हूं कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। 2 दिवसीय जिला उत्सव में 10 ब्लॉकों से आए 350 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। पर्यटन नगरी डलहौजी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन औरंगाबाद के बैनर तले
बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का पहला किताब मोहाली के कृतपाल को मिला और दिल्ली के कमल गोस्वामी द्वितीय और उत्तर प्रदेश के नरेश तृतीय रहे। इस एक दिवसीय नॉर्थ इंडिया प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली व चंडीगढ़ आदि नॉर्थ इंडिया के सभी 9 राज्यों से करीब 80 बॉडी बिल्डरों ने 55 किलो से लेकर 100 किलो तक विभिन्न भार वर्ग में भाग लिया, जिसमें विजेताओं को उपस्थित अतिथियों ने पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का पहला खिताब मोहाली के कृतपाल को मिला और दिल्ली के कमल गोस्वामी द्वितीय और उत्तर प्रदेश के नरेश तृतीय रहे। इस प्रतियोगिता में NHPC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BR सराफ ने बतौर मुख्य अतिथि व नगर परिषद डलहौजी के अध्यक्ष मनोज चड्ढा तथा SDM डलहौजी ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की। मैं मुख्य अतिथि द्वारा ओवरऑल प्रथम स्थान में रहने वाले बॉडी बिल्डरों को 21,000, दूसरे स्थान पर रहने वालों को 11,000 व तीसरे स्थान पर रहने वालों को 5,100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 3 भार वर्ग में भी प्रथम 3 स्थानों पर आने वाले बॉडी बिल्डर्स को नगद पुरस्कार तथा मेडल तथा मेरिट सर्टिफिकेट्स प्रदान किए गए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हर बॉडी बिल्डर्स को पार्टिसिपेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मनमोहिक अ ग्रुप ऑफ गुरदयाल सिंह इकबाल सिंह विश अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस दिवाली। विजिट फॉर वाइड रेंज ऑफ दिवाली गिफ्ट आइटम्स, अट्रैक्टिव पैकिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स, बास्केट्स एंड थाल फॉर दिवाली एंड मैरिज पर्पस, जूसेस पैकिंग ऑफ रियल ट्रॉपिकाना एक्सेट्रा, चॉकलेट्स, नटीज, कुकीज, सेल्फ पैकेट आइटम्स, फुल रेंज ऑफ हल्दीराम, ब्रिटानिया, कैडबरी, बिकाना, बिकाजी, क्रीमिका, MTR एक्सेट्रा। ऑल्सो विजिट फॉर पैकेट एंड क्लीन क्रियाना कॉस्मेटिक्स एंड ऑल टाइप ऑफ जनरल गुड्स आइटम्स। ऑल आइटम्स अवेलेबल एट डिस्काउंटेड रेट। फर्दर डिटेल्स प्लीज विजिट मनमोहिक्स 16/10 चंद्रलोक स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दलित वर्ग के मुख्य समन्वयक एवं मंडी जिला परिषद के पूर्व सदस्य चमन राही महालक्ष्मी के दरबार में कामना करते हैं कि भविष्य में ठाकुर कौल सिंह के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में और उपलब्धि को छुए। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। Just a
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। हमीरपुर के बचत भवन में जिला स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट और एनडीआरपी की टीम ने पूरी जिला से आए 300 के करीब अध्यापकों को डिजास्टर मैनेजमेंट की जानकारी दी। इस मौके पर किसी भी आपदा से निपटने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञ पुष्पेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में बताया गया कि आपदा के समय किस तरह से उपचार करना चाहिए और किस प्रकार एहतियात बरतनी चाहिए, इन सब की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई। हमारी तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमने जो इनको ट्रेनिंग दी है वो दी है कि प्राथमिक उपचार जो है वो कैसे स्कूलों में दिया जाना चाहिए आपदा होने के बाद। तो इसके बारे में हमने इनको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताया और इनको जो CPR की ABC है उसके बारे में बताया, और इसके अलावा जो ज़रूरी है कि कैसे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे उसको एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, कैसे उसको नियरेस्ट जो भी है हेल्थ सेंटर वहां तक पहुंचाना है, उसके बारे में आज हमने उनको जानकारी दी है और ट्रेनिंग दी है। और मुझे खुशी है कि यहाँ जितने भी शिक्षक आए थे वो काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं और ये जाके अपने स्कूलों में हमारे होने वाले जो भविष्य है उनकी सुरक्षा के लिए ये सारे कदम जो हैं उठाएंगे। इस कार्यशाला में डिजास्टर मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। देश भर में नंबर एक पर चल रहे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का कारोबार 14,000 करोड़ से भी पार पहुंच गया है। ये जानकारी बैंक के निदेशक केशव नायक ने होटल राजमहल में आयोजित बैंक की समीक्षा बैठक के दौरान दी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के निदेशक केशव नायक ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए बैंक प्रबंधन, सभी खाता धारक, सहकार बंधु और राज्य सरकार बधाई की पात्र है। केशव नायक ने बताया कि इस वक्त प्रदेश भर में राज्य सहकारी बैंक की 220 शाखाएं कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लोगों को ऑनलाइन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। नायक ने बताया कि सभी शाखाएं CBS और बैंक का सीधा संवाद भारतीय रिजर्व बैंक के साथ है। नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी जिला में दिसंबर महीने से पहले 2 नई शाखाएं खोली जाएंगी, जिसमें एक शाखा रखो में और दूसरी खद्दर में खुलेगी। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से पहले मंडी जिला में 15 नए ATM स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को बैंक की बेहतर सुविधाएं दी जा सके। नायक ने बताया कि बैंक अपने उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में नंबर वन है और इसका साइज 14,000 करोड़ रुपए का। जब हमने बैंक का चार्ज सन 2013 में संभाला था तब बैंक का साइज 9,000 करोड़ था। आज ये 13,000 करोड़ प्लस इसका डिपॉजिट और कारोबार है, जिसके लिए पूरे समूचा प्रदेश सरकार सहकार बंधु और डिपॉजिटर्स सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि CM वीरभद्र सिंह और बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन के मार्गदर्शन में बैंक निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर पुरानी मंडी के पास एक बाइक के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान 18 वर्षीय दुष्यंत के रूप में हुई है, जो मैगल गाँव का रहने वाला है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति ने पुरानी मंडी में त्रिलोकीनाथ मंदिर के पास वाले नाले में एक बाइक और 3 घायलों को देखा। व्यक्ति ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों और पुलिस को दी। पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नाले से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। यहां पर एक युवक की मौत हो गई, बाकी 2 घायल युवकों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। एक घायल को गंभीर अवस्था में PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे घायल का क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में ही उपचार चल रहा है। ASI आनंद किशोर ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज कर दिया है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस चौकी में इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बाइक नीचे गिरी हुई है, जिस पर पुलिस इमीडिएट मौका पहुंची तो देखा कि 3 बंदे जो है उसपे नीचे गिरे हुए हैं, जिनको इमीडिएट पुलिस ने लोगों के इमदाद से बाहर निकाला और हॉस्पिटल ले आए, जिनमें से एक आदमी की डेथ हो चुकी है और एक आदमी को रेफर कर दिया गया है इसके लिए चंडीगढ़ के लिए।
तथा एक अभी जडज में ही अंडर ट्रीटमेंट है और अभी इस बारे में अभियोग दर्ज कर दिया गया है और घटना के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है कि कैसी दुर्घटना हुई है और इस बारे में जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयां बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय में मिठाइयों की दुकानों में दबिश दी। टीम ने इस दौरान मिलावटी मिठाइयां बेचने पर दो कारोबारियों की लगभग 10 किलो मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। इसके अलावा गुणवत्ताहीन मिठाइयां बेचने पर कुछ कारोबारियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। ऐसे कारोबारियों को भविष्य में भारी भरकम जुर्माना करने की चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग को कई दिनों से मंडी शहर में कुछ कारोबारियों द्वारा मिलावटी मिठाई बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते हुए उपरोक्त कार्रवाई अमल में लाई। उल्लेखनीय है कि त्योहारी सीजन में मिठाई की डिमांड बढ़ने के कारण कई कारोबारी अधिक से अधिक मुनाफे के चक्कर में मिलावटी खोए से मिठाइयां तैयार कर ग्राहकों को बेचते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। लोगों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मंडी शहर में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया और मिठाइयों की गुणवत्ता जांची। घटिया किस्म की मिठाइयां बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके पर ही मिठाइयां नष्ट कर दी। कारोबारियों पर मिलावटी मिठाई के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।